जय हिंद, स्वागत है एक बार फिर से आपका इंडिफेंस एकेडमी पे। तो आज 2-3 वीडियोस हैं जिसमें कुछ छोटे छोटे डाउट हैं आपके, वो हम थोड़ा सा संभालने की समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ आज ये है कि अगर हमारे पास समय ज़्यादा नहीं बचा है अभी और हमें स्पीड नहीं आ रही हमारी दौड़ में, तो हम क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो सिर्फ एक ही हम अभी वर्कआउट आपको सिर्फ बता सकते हैं। क्योंकि देखो, जब रेस पास में होती है तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्राइड्स पे, मतलब कि स्प्रिंटिंग पे फोकस नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ABC ड्रिल्स जो होती हैं, इनमें इंजरी के चांसेस भी होते हैं थोड़े बहुत। तो अगर इंजरी को भी अवॉइड करना है और रेस को भी हमें अच्छी टाइमिंग के साथ करना है, तो छोटी छोटी आज एक टिप हम देने वाले हैं जो कि फॉलो कर सकते हो सब जितने भी लोग देख रहे हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना और अपने सवाल वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे अगर बात करें तो हम यहाँ पे जो आपको ऐड करने जा रहे हैं वो है प्लस माइनस रन। इसके बहुत सारे नाम हैं लेकिन हम इसी नाम से बुलाते हैं जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहती है, ठीक है। प्लस माइनस रनिंग के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, इसमें हम लोग करेंगे क्या, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 5 किलोमीटर की, ठीक है। हम यहाँ पे बात करेंगे 5 किलोमीटर की, 2400 मीटर की, और यहाँ पे बात करेंगे हम 1600 मीटर की, ठीक है। ये तीन, क्योंकि इस समय करंटली में हमारे पास यही तीन रेस है, ठीक है, 5, 2400, 1600। अब इसमें हमें करना क्या है, देखो अगर हमें स्पीड इंक्रीज करनी है तो ये सब लंबी रेस है, ठीक है। 1600 मीटर की बात नहीं कर रहे हैं, 2400 मीटर, 5 किलोमीटर, ये लंबी रेस है। अब इसमें हम ये नहीं बोल सकते हैं कि शुरुआत से ही आप स्पीड मेंटेन करके चलो। यहाँ पे देखो, आपको क्या करने की जरूरत है कि हफ्ते में 2 दिन, वीक में 2 टाइम्स, ठीक है, 2 बार वीक में आपको क्या करना है, एक वर्कआउट ऐड करना है, जिसको कि किस तरीके से करना है वो हम बता देते हैं आपको दोनों में। देखो, 5 किलोमीटर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना यह है कि शुरुआत का जो 1.5 किलोमीटर है, शुरुआत का एक जो 1 से 1.5 किलोमीटर है, यहाँ पे टाइमिंग मत देखना, इन दोनों दिनों में टाइमिंग मत देखना, ठीक है। शुरुआत का 1 से 1.5 किलोमीटर है उसको आप जो भी पेस पे रनिंग करते हो उस पेस पे करो, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत का 1 से 1.5 किलोमीटर। अब उसके बाद जितनी भी डिस्टेंस बचती है उसमें लास्ट का 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर छोड़ के, देखो ये शुरुआत का 1 से 1.5 किलोमीटर और आखिरी का 500 मीटर, ये कितना निकल गया, 2 किलोमीटर हमारा निकल गया। ये क्या करना है आपको, शुरुआत का 1.5 किलोमीटर आराम से और आखिरी का 500 मीटर आराम से, बीच के 3 किलोमीटर बच रहे हैं उसके लिए हम ये वर्कआउट बता रहे हैं, ठीक है। देखो, बीच के जो 3 किलोमीटर है उसके लिए आपको क्या करना है, आपका 400 मीटर का ग्राउंड हो सकता है, आपका हो सकता है 600 मीटर का ग्राउंड हो, तो 3 किलोमीटर को आप 600 मीटर के रूप में डिवाइड कर लो तो कितने राउंड हो गए, 5 राउंड हो गए आपके पास, ठीक है। स्पीड इंक्रीज करने का सबसे बेहतरीन मेथड है ये, ठीक है। अब जब आपके पास 5 राउंड हो गए तो आपको करना क्या है, एक राउंड जो आपको करना है वो बहुत स्पीड में करना है, एक राउंड जो करना है मतलब कि जो 600 मीटर करना है वो बहुत स्पीड में करना है, मतलब कि 100% नहीं देना अपना लेकिन 90% दे के बहुत स्पीड में, जितना भी आप दौड़ रहे थे उससे तो प्लस करना ही है क्योंकि अभी तक आप 100% दे ही नहीं रहे थे। तो 600 मीटर आपको पहला राउंड, एक राउंड जो है वो स्पीड में करना है जितना भी हो सकता है आपसे, एक राउंड आपका स्पीड में हो गया। अब 600 मीटर पहुंचते पहुंचते आप बिल्कुल खत्म हो जाओगे, मतलब कि ये समझो सांस भयंकर फूलने लगेगी, ये पक्का है। तो आपको क्या करना है, पेस को थोड़ा सा स्लो करके अगला जो एक राउंड है उसको थोड़ा सा स्लो कर देना है, अगला जो राउंड है उसको थोड़ा सा स्लो कर देना है। अब इतना भी स्लो मत कर देना कि बिल्कुल ये पैदल चलने लगो, नहीं, थोड़ा सा स्लो करना है। देखो, स्पीड अगर बनानी है तो 2 दिन के लिए इसीलिए हमने ऐड किया है, और इन 2 दिनों में सिर्फ एक ही टाइम दौड़ोगे, चाहे सुबह दौड़ो चाहे शाम को, ठीक है, एक ही टाइम दौड़ोगे और इसके बाद कोई वर्कआउट नहीं करना है, सिर्फ वार्म अप फॉलो करो और अपना स्ट्रेचिंग करो। तो क्या करना है, अगला राउंड तुमने स्लो कर दिया, अब तुम्हारे अंदर फिर से कैपेसिटी बन गई, तो उसके बाद एक राउंड फिर तुमने स्पीड में कर दिया, ठीक है। इस तरीके करते करते तुम्हें क्या करने है, अपने 5 राउंड कंप्लीट करने हैं, इस तरीके करते करते 5 राउंड कंप्लीट करने और आखिरी का जो 500 मीटर बचेगा उसको आराम से चलते हुए चले जाना, ठीक है। इसमें तुम लोग टाइमिंग नहीं भी देखोगे तो चलेगा, बस कोशिश ये करनी है कि अपना 90% देना है, जो 100% था उससे थोड़ा सा कम, तो क्या होगा, सांस बहुत फूलेगी, हाथ पैर भी दर्द होंगे, लेकिन उसको तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा अगर स्पीड बनानी, इसीलिए हमने कहा इसे 2 दिन करना है हफ्ते में, डेली नहीं करना है, ठीक है। तो ये स्पीड इंक्रीज करने का बहुत बढ़िया मेथड है। ये तो होगी बात 5 किलोमीटर की, समझ में आएगी होगी सबको, इतना कुछ था नहीं इसमें खास। अब 2400 मीटर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 2400 मीटर लड़कियों के लिए है खास करके, क्योंकि उन्हीं को 2400 मीटर की रेस है। तो 2400 मीटर में तुम लोगों को क्या करना, देखो ये जो शुरुआत का 400 मीटर है, ये जो शुरुआत का 400 मीटर है, ये एक पेस बना के चलनी है, स्लो पेस। अब स्लो पेस का मतलब कुछ लोग समझ लेते हैं कि पैदल चलना है, जॉगिंग करना है, हमने किसी को स्लो पेस बता दिया था वो पैदल ही चले जा रहे हैं 1 किलोमीटर, नहीं, स्लो पेस का मतलब ये होता है कि पैदल
जॉगिंग जो करते हो उससे आप स्पीड थोड़ी सी अपनी इंक्रीज करो, ठीक है। तो 400 मीटर आप ये करोगे, इसके पहले वार्म अप बहुत जरूरी है, वार्म अप ध्यान रखना। 400 मीटर ये करने के बाद अगला 1 से 1600 मीटर जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका 400 मीटर के 4 राउंड, 400 मीटर के 4 राउंड। आपको भी वही चीज फॉलो करनी है कि जो पहला 400 मीटर होगा उसको स्पीड में करना है, पहला जो 400 मीटर होगा उसको आप स्पीड में करोगे, अगला 400 मीटर स्लो करोगे और फिर उसके बाद स्पीड, फिर उसके बाद स्लो। लेकिन ध्यान रहे ये जो शुरुआत का 400 मीटर था, बहुत ध्यान समझना, ये जो शुरुआत का 400 मीटर का स्लो पेस था ये इसमें नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये सिर्फ शुरुआत में ही रहेगा, ये शुरुआत में रहेगा और आखिरी के 400 में, ये स्टार्टिंग का 400 है और ये आखिरी का 400, ठीक है। उसके बीच में ये सारी चीजें खिचड़ी पकेगी। तो 800 मीटर निकल गए, बचे 1600 मीटर, तो 1600 मीटर में 4 चक्कर, पहला तेज फिर धीरे, पहला तेज फिर धीरे, लेकिन वो धीरे इसके बराबर नहीं होना चाहिए जो आपने कूल डाउन वाला कर रहे हो, ये ध्यान रखना। धीरे का मतलब ये है कि स्पीड थोड़ी हमें घटानी है लेकिन इतना नहीं कर देना जितनी हम पहले थी स्लो रन से जिससे स्टार्ट किया था, समझ में आ गई मेरी बात। अब 1600 मीटर में आप क्या करोगे, 1600 मीटर में आप ये करोगे कि जो 600 मीटर है, सॉरी जो आपका 400 मीटर है इसको आपको क्या करना है, 400 मीटर को आपको करना है स्लो पेस में, क्योंकि स्लो जब 1600 मीटर की बात आती है तो इसमें आपको टाइमिंग बहुत कम दी जाती है, तो इसके लिए प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी। तो 1600 मीटर के लिए दिख रहा है ना, 1600 मीटर के लिए आपको क्या करना है, 400 मीटर आपने स्लो कर दिया और आखिरी के जो 200 मीटर है उसको कूल डाउन करना है। 600 हो गए, अब बचा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आपका बचा, शुरुआत का 400 मीटर स्लो, आखिरी का 200 मीटर स्लो मतलब कूल डाउन, बीच का 1 किलोमीटर हमारे पास बचता है। इस 1 किलोमीटर में हमें क्या करना है, इस 1 किलोमीटर में करना यह है कि हमें 300 के 300 प्लस 300 प्लस 300, पहला ये फास्ट रहेगा, दूसरा स्लो रहेगा और तीसरा 300-400 मीटर जो बचता है वो एकदम स्पीड में रहेगा क्योंकि उसके बाद हम कूल डाउन में आ जाएंगे। तो ये छोटा सा वर्कआउट था लेकिन इसको आप हफ्ते में 2 दिन ऐड करो और इसके रिजल्ट तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएंगे। 2 दिन सिर्फ ऐड करना है, डेली इसको मत परफॉर्म करना, सिर्फ 2 दिन करो और आपको समझ में आ जाएगा कि इसके क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था, हेल्प जरूर करेगा आपको अगर आप इसको 2 दिन इंप्लीमेंट करोगे अपने वर्कआउट में। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक।